आज हम बनाने जा रहे हैं कोरमा। तो एक किलो चिकन है, सबसे पहले चिकन शामिल कर देंगे। 250 ग्राम दही, इसमें से हम थोड़ा सा बचा लेंगे। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर। गरम मसालों में 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 5 बड़ी छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल और 5-6 लौंग। 1 कप ऑयल शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़्यादातर प्याज इनको हमने फ्राई कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। बाकी बचा हुआ दही डाल दें, इसको ग्राइंड करना है हमने। 1 टेबलस्पून खोपरा पाउडर, 20 मिनट हो चुके हैं, ये दही के पानी में ही पक गया है। अब इसमें हम अगले मसाले डालेंगे। तो ये ग्राइंडेड पेस्ट हमने डाल देना है प्याज, दही और खोपरे का। आधा कप हमने इसमें पानी खंगाल के डाल देना है। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून कोरमा मसाला, और इन तमाम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त हमारा कोरमा तैयार हुआ है, दानेदार। इसे हम पानी थोड़ा सा, आधा कप पानी डालेंगे इसमें। मिक्स करेंगे इसे, लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ढक देंगे। तो ज़बरदस्त कोरमा हमारा रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त दानेदार कोरमा तैयार हुआ है। तो इसे डिश आउट करते हैं। Okay.